जय श्री कृष्णा। यह अध्याय अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दो प्रकार के योगियों के बारे में पूछने और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं से शुरू होता है। वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या जो ईश्वर के साकार स्वरूप के प्रति समर्पित हैं, श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं में सर्वोच्च है। फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि भगवान के अव्यक्त पहलू पर ध्यान करना काफी कठिन है, अतः निराकार की आराधना का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उसे प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं शीघ्र ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से सभी संदेह त्यागने और अपनी बुद्धि को केवल भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति में स्थिर करके समर्पित करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षरत आत्माओं में स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जो कोई भी पा सकता है। इसे विकसित करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन नहीं कर पा रहा है तो उसे अपने सभी कार्य भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुँच जाएगा। यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, और यदि उसे लगे कि यह भी कठिन है तो उसे अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए और स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की खेती यांत्रिक अभ्यास से ऊंची है और ध्यान ज्ञान से ऊंची है। हालांकि ध्यान से बेहतर कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि इससे तुरंत महान शांति मिलती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें बहुत प्रिय है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपसे गुरु परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझसे गुरु परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकथीन स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुहपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझसे गुरु परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है।
जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम गीता का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।